मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी कि एक विधायक को अपनी ही सरकार में बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल अपनी ही सरकार के हुक्मरानों से परेशान सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा शनिवार की रात धरने पर बैठ गए। वो धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि उन्हें लगता था कि नगर निगम ने शुक्रवार को जो 65 अवैध झोपड़ियां ढहाई वो गैर कानूनी ढंग से गिराई गई। अब इस बरसात के मौसम में बेघर गरीब कहाँ जाएंगे। विधायक जी को लगा कि धरने से नीचे बात नहीं बनने वाली, सो वो गरीबों के बीच अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वो भी जमीन पर नहीं बल्कि कुर्सी पर। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम ने उनकी बात नहीं मानी तो नगर निगम का ताला तोड़कर गरीबों को बसा देंगे। विधायक की बातों से साफ लगता है कि वो अपनी सरकार और अपनी ही सरकार के सिस्टम से बेहद खफा है। जरा सुनिए क्या कहते हैं सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। जिनके घर कल गिरा दिए इस बरसात के मौसम में, ये लोग हमारे घर पहुँच, नगर निगम प्रशासन ने क्या कर दिया ना मुझे जानकारी है। मैंने यहाँ के कलेक्टर से बात की कि साहब आपको क्या जानकारी है, उन्होंने कहा नहीं। एसपी से बात की मैंने कि आपको जानकारी है, उन्होंने कहा नहीं। यहाँ तक कि एसडीएम को जानकारी नहीं है, और तो और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर उनको भी इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं। तो नगर निगम किसके इशारे पर इन गरीब लोगों को बेघर कर रहा है। यहाँ पे सरकारी जमीन के नाम पर सैकड़ों एकड़ पे लोग खेती कर रहे हैं, ईंट के भट्ठे लगा रहे हैं, उनको नहीं हटाया, इन बेचार गरीब लोगों को बरसात में बेघर कर दिया। आज इनकी स्थिति ये है कि कल से इनके घरों में चूल्हा नहीं जला। जब मेरी बात हुई एसडीएम मौके पर घर पर आए, इन लोगों से एसडीएम ने बात की, नगर निगम के अधिकारी को फोन लगाया कि आप मौके पर जाओ, उनकी व्यवस्था करो, उनके सामान उठवाओ, कहीं सुरक्षित जगह पे रखो। नगर निगम का कोई अधिकारी चपरासी तक इस जगह पे आने की जरूरत नहीं। तो ऐसे अधिकारी जो इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं कि इन गरीबों के साथ हम हैं, ये अधिकारी या तो काम करना सीख जाएंगे या काम करना छोड़ देंगे। इंदौर में जो हुआ बल्ला कांड, तो हम मारपीट नहीं करना चाहते लेकिन बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना। अब देखिए मैं तो बैठा हूँ, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, देख लीजिए यहाँ के डीएम को, कमिश्नर को क्या कर रहे हैं। सरकार आपकी है, उसके बाद भी धरने पे बैठना पड़ा। सरकार है ना, तो सरकार को भी बताना पड़ेगा। सरकार को कई बार बताया गया कि यहाँ के अधिकारी उचित काम नहीं कर रहे हैं, और लगातार यहाँ ऐसे अधिकारी कर्मचारी थोपे जा रहे हैं जो जनता का काम कभी नहीं करते, सिर्फ खून चूसते। जनता के अलावा आपको भी धरने बैठना पड़ा, मतलब आपके भी बातों को तरजीह नहीं दी गई। नहीं दी गई ना, इसमें कौन सी अपमान की बात, न्याय संगत बात है, नहीं दी गई। अगर मैं इनके लिए इनकी मदद नहीं कर पाया तो मेरे विधायक होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। गाया गया है इनके घर बसा दिए जाए, अगर नहीं करती तो कल ले जाके नगर निगम का ताला तोड़ के वहीं पे कब्जा कर लेंगे। क्या कर, कमिश्नर के चैम्बर में सबको सोएंगे, आराम से खाएंगे, वहीं खाना वहीं चूल्हा जलेगा। विधायक का धरना और उनकी धमकी रंग लाई, लिहाजा नगर निगम कमिश्नर अमनवीर सिंह बैस और एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी मौके पर पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर ने अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अनिल श्रीवास्तव को पद से हटा दिया और उनके बसाहट का इंतजाम करने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर विधायक जी का गुस्सा शांत हुआ और उनका धरना समाप्त हो गया। बिना नोटिस दिए, बिना उनको प्रायर जानकारी दिए यहाँ पे रहवासी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में ये शिकायत है कि जानकारी नहीं थी, बदतमीजी की गई, जबरदस्ती करके कार्रवाई की गई, कोई जानकारी नहीं थी, तो जो कंसर्न एनफोर्समेंट ऑफिसर है उनको हटाया जाकर जांच करके इस पर कार्रवाई की। सर हम लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब कोई भी इल्तिजा नगर निगम हमको नहीं दी कि आपका मकान टूट जाएगा। और हम लोग को एक जिला एक आदमी ने बताया कि कल आपका मकान टूटेगा, तो हम लोग अपने धोखे से कलेक्टेड गए, धोखे से कलेक्टेड बुलाया गया। अब वहाँ हमको कम से कम 5 घंटा बैठाला गया, कोई साहब नहीं आया, कोई नहीं आया। वहाँ से हमारा एक व्यक्ति यहाँ फोन किया, लेडीज में हमारी थी, कि यहाँ पर मकान तोड़ रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ भाग के आए तो किसी का सुने नहीं, पूरा बराबर ही कर दिए। अब हम लोग कल से परेशान है, पानी गिर जाए सर हम कहाँ जाएंगे, बच्चे देखिए छोटे छोटे अभी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम कल से सुबह के समय हुआ था, हम डब्बू भैया के पास जाकर ढाबा बोले, सुबह 8 बजे से हम लोग वही ढाबा बोले, खाना तक अभी भी नहीं खाया था। डब्बू भैया ने हम लोग को समोसा चाय जो भी हुआ दिए, बोले आप चलिए आप लोग को हम अपना सहमत करके आपको दिलवाएंगे।
अभी भी यहाँ 9 बज चुके लेकिन हम लोग का कोई सहमत नहीं हो पा रहा है। कितने घर को गिरा दिया गया? 65 घर को गिरा दिया गया, पूरे की जनता सब बैठी है सर। कुछ नहीं बताया गया हमको, तो कोई मौका ही नहीं दिया सर, ना कोई नोटिस ना कुछ, ना सामान निकाले, अपने से ताला तोड़े, अपने से घर सोचे, हमारे राहुल भैया का पैसा चुरा ले गए, 2500 रुपये अपने मिसेज के लिए रखा था डिलीवरी के लिए, उसमें से 500 रुपये को छोड़ दिया गया, 2000 रुपये तुरंत निकाल ले गए, नगर निगम का ही काम है और कोई व्यक्ति अंदर हल नहीं पाया सब, क्योंकि हम तो थे ही नहीं, किसी का दिल पसीसता तो हमारा मदद करने सर कोई ना आता, अब हम लोग तो खुद अपने मदद के लिए टहल रहे हैं, अब सही व्यक्ति डब्बू भैया मिल गया जो हमारी मदद करें, अभी तक तो कोई मदद हमारी करने के लिए तैयार नहीं, जहाँ डब्बू भैया कहेंगे वहाँ हम लोग डाल जाएंगे, कमीशन ऑफिस में बोलते, नगर निगम में बोलते, जहाँ भी बोलेंगे तो हम लोग रात बिताएंगे, पानी गिरेगा कहाँ जाएंगे, डब्बू भैया का भी तो इतना बड़ा निगम वहाँ हल जाएंगे, अब 60-65 आदमी सर्व हैं गरीब।